यूट्यूब नहीं पकड़ा वाले था। बाड़ों को फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो नमो अरिहंतानम, अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो नमो वज्जायानम, नमो नमो लोए सवसाहनम। नमो ऐसो पंच नमुक्कारो नमो सव पावप्पनाशनो मंगलानं च सव्येसिम मंगलानं पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हिता दीदी डेली प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि यह मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता को आगे हमेशा उनकी बात सुनने का दृढ़ संकल्प करती हूँ, और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके चिनार, हाँ जी सुन, हे दादा भगवान, हे दादा हे दादा भगवान। ओ स्टडी कब हो गया? सॉरी स्टडी स्टडी बोलो। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं जो अंतर आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसे आप मुझे परम शक्ति दें। वेरी गुड। नम्य, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, फिर भी कच्चे काम करेंगे अच्छे, काम करेंगे सच्चिदानंद। वेरी गुड। तो आज का आज तो संडे, बहुत बच्चे लोग आए नहीं है, तो बहुत फ्री टाइम मिला होगा। तो फ्री टाइम में क्या किया, और किसी का चंचेड़ाई और अडाई किया क्या? नहीं। ओके चिनाय, आज मुझे फ्री टाइम हंसते आके जोर से बोलना। हाँ जी सच्चिदानंद, आज मुझे फ्री टाइम 1 घंटा मिला था, जिसमें मैंने अपनी सोशल स्टडीज की है और उसका मैंने टेस्ट भी लिखा है, और करिश्मा को आज थोड़ा छेड़ा था और आड़ाई तो नहीं किया आज। जय सच्चिदानंद। ओके कुछ ही दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मुझे फ्री टाइम 1 घंटा मिला था, उसमें मैंने
मेरी तमिल की कल टेस्ट है उसके लिए मैंने रिवाइज की थी। वो किसी को परेशान किया, चंचल है, अडाई किया, स्टडी पे आया अडाई की थी आज? नहीं। ओके वेरी गुड। मोरबी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी को छेड़ा नहीं, अडाई भी नहीं की और आज मुझे 3 घंटे फ्री टाइम मिला था तो उसमें मैंने स्टडी की। ओके जय सच्चिदानंद, आज मुझे फ्री आवर 1 आवर मिला था उसमें मैंने आज जेएसएस की स्टडी की थी और मैंने आज किसी को भी नहीं छेड़ा था और अडाई भी नहीं की थी। अभी तो अप्पू बोला आपने, वो क्या ओके उसका क्या मीनिंग होता है? ओके जय सच्चिदानंद, आज मैंने फ्री टाइम मुझे 1 आवर मिला था उसमें मैंने मैक्स किया था और आज मैंने किसी का अडाई और किसी का वो नहीं छेड़ा था। दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने फ्री टाइम 3 आवर्स मिला था, मैंने पापा के साथ खेला था और आज मैंने कोई को छेड़ा नहीं था और अडाई नहीं की थी। ओके तो पापा के साथ आप खेला, टीवी पे खेला था? नहीं टीवी पे नहीं, ऐसे ही फिजिकल गेम्स। वेरी गुड। नडिया। जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी को छेड़ा नहीं है और अड़ाई भी नहीं की है और फ्री टाइम मुझे 1 घंटा और 15 मिनट मिले थे उसमें से 1 घंटा मैंने पद सुने थे बहुत सारे और 15 मिनट कीर्तन भक्ति की थी। कौन सा पद सुना आपने? शमणाओ वही गया, फिर आंखों दाड़ो तुम्हारी याद में बीती गई। वो क्या शमणा पूछी गया इतने खबर पड़ी, वो मालूम है क्या क्या उसका मीनिंग? हाँ नहीं वो तो नहीं मिलिंग हमको मालूम है लेकिन वो पद मुझे बहुत पसंद है। ओके ओके बाद में टाइम मिलेगा तो ये कुछ ना टाइम मिलेगा। ओके ओके मोटी बहन। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने भी फ्री टाइम में पद सुने थे और कीर्तन भक्ति की थी 15 मिनट। दोनों साथ में पद सुना कि सेपरेट सुना? साथ में। आपको मालूम है समरा का मीनिंग? नहीं। ओके नंदिनी दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने फ्री टाइम में 1 आवर साइंस पढ़ा था और 1 आवर एसएसटी पढ़ा था और बाकी फ्री टाइम में मासी की हेल्प की थी। तो मासी को छेड़ा नहीं आज आपने? नहीं मैंने नहीं छेड़ा और हाफ आवर मैंने स्टोरी रीड की थी। आप मम्मी के मासी से झगड़ा नहीं करते आप? नहीं मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं करती। वेरी गुड। देव। आज मुझे फ्री टाइम 2 आवर्स मिला था उसमें मैंने आज बाहर प्लेइंग की थी और आज मैंने किसी को छेड़ा नहीं था लेकिन मेरे से आज अड़ाई हो गई थी। क्या अड़ाई में क्या हुआ आपको? वो है ना वो 2-3 दिन मम्मी बाहर गई थी ना तो जो दादी होती है ना वो कह रही थी कि वो भर के दो तो मैं भर के दू ना तो ऐसा तो वो मैं ना भर के दू ना तो वो ऐसा कहते हैं कि नहीं भर के दिया और भर के दू ना तो कभी ऐसा भी नहीं कहते है कि हवा भर के दिया तो आज ऐसा कह रहे थे कि नहीं किया फिर मैंने किया फिर भी मेरे को बोल रहे थे इसकी अड़ाई हो गई। तो आपका दादी माँ आपसे बड़ा है या छोटा है? बड़े हैं। तो जैसे आप बात करते हैं कि आपसे छोटा है ऐसा बात हो हमको समझ में आया। नम्या। आज मुझे 2 आवर फ्री टाइम मिला उसमें मैंने पापा के साथ चेस खेली और फ्रेंड के साथ बाहर खेलने गया। और आप अभी मोबाइल में क्या देखते हैं? मोबाइल में खेलता हूँ। क्या खेलते हैं आप? गेम। कौन सा गेम? एक्सट्रीम कार। तो सबको मारा मारी करता है वो? नहीं वो उसमें मारा मारी नहीं होती। तो क्या होती है उसमें? कार ड्राइविंग होती है। एक्सीडेंट हो जाता है? एक्सीडेंट भी नहीं होता। अच्छा तो क्या होता है उसमें? वो गेम में दादा का सत्संग होता है?
नहीं क्यों उसमें से मालूम नहीं पड़ता है दादा का सत्संग गेम में से कुछ वो स्कूटर बाइक करेगा ना जबी तभी वैसा फास्ट चलाएगा वो ऐसा है ना ऐसा ऐसा लर्न करता है उसमें पंदमिया वो क्या होता है गेम में क्या होता है उसमें बस कार ड्राइव करने की होती है उसमें कोई जानना क्या मिलता है इस गेम में से कुछ नहीं ये आज आपका पुत्र कौन आया मालूम है शैलेश आनंद जी वो क्या करते हैं मालूम है डॉक्टर है वो कौन सा डॉक्टर है मालूम है आई के तो उसको पूछना आप टीवी और बहुत देखते वीडियो आपका क्या हाल होगा तो आप उसको फोन करेंगे कि शैलेश दादा हमको आज चेक करने का है शैलेश बोले नहीं मेरे इस प्रिंसिपल में मत आओ क्योंकि आपने बहुत टीवी और बहुत वीडियो देखा है तो हम कुछ हेल्प नहीं कर सकता के दर्शना जय सच्चिदानंद आज मैंने फ्री टाइम में हिस्ट्री हिंदी और ज्योग्राफी के नोट्स लिखे थे और मैंने गेम भी खेला था खुशाल के साथ और खुशाल के साथ छेड़ा और मैंने चार मम्मी को छेड़ा था खुशाल के साथ लड़ाई कितने की लड़ाई तो नहीं की थी बट आरती में बीच में उसको छेड़ रही थी तो छेड़ने का शैलेश दादा को पूछना छेड़ने के बाद थोड़ा टाइम के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा ओ छेड़ना का वो तो एग्जाम है ना बाद में रिजल्ट कैसा आएगा शैलेश दादा बताएगा आरुष हाँ जय सच्चिदानंद आज मेरा फ्री टाइम 2 आवर्स था उसमें मैंने खेला था और आज मैंने किसी को छंछेड़ा नहीं था ओके अभी आप पिक्चर अच्छा रखते हैं कि मारामारी का रखते हैं अभी अच्छा मेरा ही है तेरा ही रखने का कि दादा का रखने का कि सिमंदर स्वामी का रखने का किसके जैसे आपको होने का दादा का रख लूंगा दादा का रख दूंगा हाँ वो जो बनने का ऐसे रखो ना तो कुछ फायदा हाँ। होगा विशाल आज है सच्चिदानंद आज मैंने किसी को भी छेड़ा नहीं था और आज मेरे मम्मा को छेड़ा था और आज मेरे साथ लड़ाई हुई थी दीदी के साथ मम्मी के साथ कितना झगड़ा किया था आज आपने मम्मी के साथ 2 बार किया था हाँ तो इसे बोलो ना साक्षी बाप जय सच्चिदानंद आज कल से मैं स्कूल शुरू हो रही है इसलिए मैंने आज मेरे फ्री टाइम में फेयर बुक्स कंप्लीट की थी मैंने बहन के साथ खेला था और मैं फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट लेने के लिए सो गई थी और आज मैंने किसी को छेड़ा नहीं था दादा और मैं शादी मैगजीन तो सबके अंदर दादा भगवान देखे थे वेरी गुड दीपिका जी राइट ये हो गया करिश्मा करिश्मा को नहीं पूछा दादी माँ कैसे रह गई करिश्मा आज मैंने नौ कलम एक बार की थी त्रिमंद मैंने 10 टाइम्स की थी और आज मैंने दीदी को बहुत छेड़ा था आज करिश्मा बहुत अच्छी हो गई दीपक दादा वेरी गुड लेकिन छेड़ा था ना आपने अनम्यूट मैंने उनको बोलता हूँ धरती दादा अनम्यूट करिए आप ओके ओके
पहली एक ही बात है, गलतियां होती है तो प्रतिक्रमण होता है या नहीं होता है? होता है। 10 बार गलतियां होती है तो कितनी बार प्रतिक्रमण होता है? 10 बार होता है, 2 बार होता है, 5 बार होता है? 10 बार। किसका प्रतिक्रमण रह जाता है? और किसी का रह जाता है? तो जब रह ओके ओके जब रह जाता है तो क्या करना चाहिए? वो जो प्रतिक्रमण रह जाता है वो गलती है कि नहीं है? गलती। जब याद आता है, जब याद आता है तो कर लेना है, और फिर तय करने का कि दादा जब जब गलतियां होती है तो मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। अगर वो कपड़े पर कुछ गिर गया तो हम तुरंत साफ करने दौड़ ही जाते हैं, तो यहाँ पर क्यों तुरंत नहीं होता है? तो इसे प्रकृति दोष कहा, और वो दोष को निकालने के लिए ये दादा से शक्ति मांगनी है। ये चूक है, उसकी माफी चाहता हूँ, आप मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। समझ गए? तो ये तय करेंगे ना तो जब जब गलतियां हो जाएगी तो अंदर से दादा भगवान याद करवाएंगे आपको, प्रतिक्रमण करना है। सही है ना डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जी आप भाई बातें करिए बच्चों के साथ, आपने बहुत सुना भी। बच्चे अच्छा कर रहे हैं और आगे अपना ध्येय जो तय किया है तो ध्येय के मुताबिक आगे बढ़ना है। और जो गलतियों की बात की तो प्रतिक्रमण करना पड़ता है कि हो जाना चाहिए सरलता से? हो जाना चाहिए सरलता से। हाँ, आपके सर पे बोझ हैं, आप बोझ लेके चलना पसंद करोगे कि बोझ उतार के चलना पसंद करोगे? तो प्रतिक्रमण जब नहीं होता है ना तो अपना बोझ जैसे के वैसे रहता है, और प्रतिक्रमण हो जाता है तो बोझ उतर जाता है और अपना आनंद वापिस आ जाता है। क्या होता है तो ये प्रतिक्रमण का अनुभव साइंस समझ लेंगे तो करने की मेहनत नहीं है उसमें, वो तो हो जाता है। अपना समझ फिट हो जाने के बाद जागृति से हो जाएगा तो अपने को तुरंत बोझ हल्का हो जाएगा, आनंद वापिस आ जाएगा। और बाकी तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं, मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि एक ही घंटे का फ्री टाइम मिला लोगों को। मुझे तो बहुत फ्री टाइम मिल जाता है, टोटल फ्री टाइम तो बहुत हो जाता है, एक एक घंटे का सुना मैंने लोगों से, तो बाकी का टाइम क्या बिजी थे सब, क्या करते थे, वो तो समझना है ना। हाँ फ्री टाइम तो बहुत मिलता है, तो ये ध्यान रखना कि भाई फ्री टाइम मैंने अपना अंतस्करण जब फ्री होता है, पढ़ाई में आपका अंतस्करण उसमें देना पड़ता है और चित लगाना पड़ता है, कोई दूसरी चीज ऐसी होती है, बाकी तो फ्री टाइम ही होता है। तो फ्री टाइम को समझ करके उसका जो श्रेष्ठ इस्तेमाल कर सकता है समय का, इनफैक्ट फ्री टाइम है या तो आपका जो बिजी टाइम जो भी है, पर समय का जो श्रेष्ठ उपयोग कर सकता है वो जिंदगी में बहुत आगे जाता है। उसको और कुछ करने का जरूर नहीं है, पर समय को समझ करके उसका हम श्रेष्ठ उपयोग करें ना तो बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है तो ये फ्री टाइम का बोल तो एक घंटा से 2 घंटा आप जास्ती मिलता है के आपका टेबल प्रमाण ही करते हैं सब? नहीं बहुत फ्री टाइम होता है, बहुत फ्री टाइम मिलता है इन लोगों को, कुछ उन लोगों का सही में ज्यादा स्केड्यूल होता है ना। तो भले ना स्केड्यूल भले रहा, कभी मेरे को भेजें तो मैं भी देखूं ना कि स्केड्यूल में कैसा कैसा है, और स्केड्यूल में भी फ्री टाइम होता है वो तो। मिताक्षी बा ठीक बात क्या बताया? हाँ वो शैलेश दादा ने बताया कि फ्री टाइम की बात है। मोनिका दीदी
शैलेश दादा ने कुछ अंतस्करण का बताया था। नहीं 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 और नहीं, फ्री टाइम की बात होती है। फ्री टाइम में ये कहा था कि अगर हम सारे ये वह अनन्या दीदी है, हिता दीदी है, उन लोग को तो फ्री टाइम नहीं मिलते है क्योंकि अभी पुष्कर स्टडी है। पर दूसरे मोनिका दीदी, हाँ शैलेश दादा ने ये कहा है कि अगर हम समय को सही उपयोग करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। नहीं ऐसे थी, आपको फ्री टाइम मोर मिलता है कि आप जितना बोलते हैं उतना ही मिलता है? वो मैं टाइम टेबल के हिसाब से ही करती हूँ, वो करिश्मा का 1 घंटा बचता है ना उसी के हिसाब से। शैलेश दादा ये टाइम टेबल दीपक दादा के पास है सबका। ओके ठीक है कोई बात। ओके अभी एक पद सुनने का है देव। जरूर देव। मैं सच्चिदानंद। हाँ देव आपका रेडी है तो पद। हाँ ओके हाँ बोलो। तारा दर्शन ना दीवाना, तारी मस्ती मा मस्ताना, अमने पार का ना मान मानो पोताना, तारे कोड़े तो रमवाना, वातो दिलड़ा नी करवाना, हमने पार का ना मान मानो पोताना, अमे नाने लापा दादा ले जोरे संभा, एवो वरसावो प्यार जाने अमृत नीधा, तारे आंगणे रमवाना, पाचड़ पाचड़ तो फरवाना, हमने पार का ना मानो मानो पोताना। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड बहुत अच्छा। आप इसमें से क्या आपको मालूम ग्रहण किया कि वो पोताना मानो और उसका मीनिंग क्या होता है? कि सबको अपना मानना है ऐसा। शैलेश दादा कुछ उसके बारे में बताओ। हाँ तो ये दादाजी के साथ हमारी अद्भुत भक्ति का ये पद है जहाँ हम दादाजी से कहते हैं कि हम आपके दर्शन के दीवाने, मैंने दर्शन के लिए तलस रहे हैं और आपकी मस्ती में हम मस्त है। तो दादाजी से हम विनंती करते हैं कि हमें अपना ही मानो, मैंने अपना गिन के अपने पास रखो, अपने हमें इतना प्यार दो, ऐसी हम दादाजी से बातचीत कर रहे हैं। ये भक्ति का पद है, हमारा हृदय दादाजी की भक्ति के भक्ति से उत्कृष्ट भक्ति से भरे भरा हुआ जो दिल है, इससे हम ये पूरा पद है। तो ये दादाजी के साथ हम बात कर रहे हैं। अभी आप देव आप दादाजी से बात करते हैं कभी कभी? नहीं नहीं उप सत्साधन करते तो किसके साथ बात करते आप? वो तो दादा के साथ ही बात करता हूँ, लेकिन सत्साधन के बाद कभी ऐसा नहीं करता हूँ ऐसा। तो कभी भी बाद में दिन में दादा याद नहीं आते? स्टडी करने बैठता हूँ तब आते हैं, लेकिन लिखना होता है तभी स्टडी करने का होता है। अभी 2-3 दिन से ऑनलाइन क्लासेस बंद है इसलिए। ओके ओके तो कभी कभी दादा को याद करने का सारे दिन। और खाते तमाए नहीं याद करते हैं? हाँ हाँ तो ये सोचने का कि सब दादा की साथ बात करते हैं। ओके अभी थोड़ा टाइम है, एक क्वेश्चन पर ये गीता दीदी का ये पद का मीनिंग एक सेंटेंस का बताओ। कौन से सेंटेंस का? तमनाओ वही गया काढ़ना प्रवाह। जी तो ये कविराज ने दादाजी के देह विलय के बाद ये विरह में पद लिखा था। समणाओ मैंने मेरे स्वप्न में, या तो मैं जो उत्कृष्ट चाहता हूँ मेरे स्वप्नों में जो है, तो दादा भगवान की हाजिरी हमारे लिए स्वप्नवत इतना आनंदमय थी। तो बोलते कालना प्रवाह में, जैसे काल गया 1962 से 1988 तक दादा भगवान, बड़े दादा भगवान की हाजिरी बाद में करूँ दादाजी, तो जैसे काल आगे गया तो बोले वो उसके साथ
दादा भगवान का प्रत्यक्ष जो सानिध्य की बात थी, वो चले गए तो समणा वही गया काड़ना प्रवाह मां भीना रुमाल रहा हाथ में, तो ये बात कर रहे हैं कि हमारे दिल के जो स्वप्न समान दादा भगवान की हाजिरी थी उनका प्रत्यक्षता का जो लाभ था, तो हमारा प्रत्यक्षता का लाभ चला गया। अभी रहे दादा, मगर अभी सूक्ष्म रूप से दादा भगवान की हाजिरी रह गई हमारे साथ, वो तो जरूर है, पर कविराज का कहना ये पद उन्होंने इस प्रकार से समणा का मतलब है स्वप्न, हमारे स्वप्न जो हमारे दिल के स्वप्न होते हैं। समणा का टाइम भी होता है कि नहीं होता है? सॉरी, टाइम समणा टाइम गयो ये खरु? ना ना, समणाओ मेरी समझ से ये हमारे स्वप्न के, हमारे दिल के जो स्वप्न होते हैं, हमारी चेरिश डिजायर्स होती है, हमारे लिए जो उत्कृष्ट चीज होती है उसके बारे में मेरे ख्याल से यहाँ लिखा गया। टाइम के बारे में नहीं लिखा, काल का प्रवाह हो तो टाइम तो काल को लागू होता है, काल के प्रवाह में वो बह गया। तो दादाजी की जब स्थूल देह में से दादा भगवान अंबालाल पटेल के देह में से जब दादा भगवान चले गए तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, ओके, किसका क्वेश्चन है? मोनिका? हाँ, मेरा ही क्वेश्चन है। हाँ, जोर जोर से बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ तब मुझे एक घंटा लगता है उसे चबाते वक्त, बहुत देर लगाती, तो मम्मी उसे यही कहती है कि तुम बहुत देर लगाती हो, आगे जाके तुम क्या करोगे इस समय पे, अगर तुम्हारे पास कोई खाने के लिए आया क्या करो, ऐसे टोकी देती है, तो गुस्सा आ जाता है, क्या करो? बिल्कुल, अभी दो चीज है कि आपको एक घंटा लगता है, तो एक घंटा में आप देख लीजिए कि पहले तो आहार ही आहार करता है, तो मैं शुद्ध आत्मा या मैंने जागृति रहती है कैसे रहता है, और आप चबा के खाती है तो अच्छी बात है, मगर बीच में खाना खाने के समय चित खाने में ही होता है कि और प्रवृत्ति, या तो टाइम कहाँ चला जाता है कि खाने में ही जाता है। और तीसरी चीज ये होती है कि दादा भगवान ने एक चीज बताई कि चबा के खाना जागृति से खाना अच्छी बात है, मगर अबाव नॉर्मल भी ठीक नहीं और बिलो नॉर्मल भी ठीक नहीं है, तो कोई बहुत जल्दी खाता है मेरे जैसा वो भी ठीक नहीं है, और कोई घंटा लगाता है तो भी ठीक नहीं है, तो कम टू नॉर्मल। तो फिर एक जगह पे पूछा दादा भगवान को किसने कि दादा भगवान नॉर्मालिटी को हम कैसे समझे, तो दादा भगवान ने बताया कि आसपास वाले को कोई दिक्कत ना हो, फरियाद खड़ी ना हो, कोई रोकना टोकना ना हो, तो वो हमारी नॉर्मालिटी का एक थर्मोमीटर है, और आसपास वाले को कोई दिक्कत होती है, रोकना टोकना होता है मन, तो अपने हमें समझना चाहिए कि हमें थोड़ा सा ध्यान देके नॉर्मालिटी की ओर देखना चाहिए। चबा के खाना अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, मगर आप ज्यादा तो नहीं खाती होगी कि जिससे एक घंटा लग जाए, तो आप तो देख लीजिए कि एक घंटा क्यों लगता है, जरा चबा के इतना चबा के खाती हो कि घंटा लग जाए। हाँ, वो बहुत घुमाती रहती है तो मम्मी गुस्सा आ जाती है। बहुत घुमाती रहती है, नहीं मम्मी को गुस्सा तो नहीं होना चाहिए, मगर उसमें से सार रूप एक चीज लेनी है हमें कि भाई बिलो नॉर्मल इतना नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि आज आपके पास समय है, हो सकता है कल आपके पास समय ना हो, आप अधिक व्यस्त हो जाओ और काम में हो जाओ, लोग भी आपके साथ आए और चार पांच व्यक्ति छह व्यक्ति खाने बैठी है तो आपका चलता रहेगा और लोगों को दो बार खाना हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए नॉर्मलिटी की, और कुछ नहीं इसमें है, एक घंटा थोड़ा सा ज्यादा समय है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा 15-20 मिनट 25 मिनट शुड बी ओके। तो फिर कितना मिनट तक खाना चाहिए? नहीं, वो नियम नहीं है, वो तो अपने आप नक्की करना है, तय करना है, मगर कम टू नॉर्मल कहने का मतलब क्या है? हाँ। फिर खाते खाते सो मत जाओ। सोती नहीं। सोती मैंने स्थूल अर्थ में नहीं बोलता हूँ, सूक्ष्म अर्थ में बोलता हूँ कि भाई वहाँ
खाया चबाया वो अच्छी चीज है, मगर चबाते चबाते चित कहीं चला जाता है तो दांत काम करता रहता है, चित तो चला गया, फिर वापस आता है तब आप वापस खाने की शुरुआत करती हो, ऐसा हाँ, होता है जब हाँ, वो बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कम टू नॉर्मल। तो दादाजी ने एक जगह पे एक सेंटेंस यूज किया था कि धीरे से जल्दी करना, गुजराती में कहूं तो धीमे थी उतावड़ करजो, जल्दी भी नहीं धीरे, धीमा भी नहीं, धीरे से जल्दी करना। तो आप अंदर बोलना कि अभी धीरे से थोड़ा जल्दी करना। हाँ। अभी ऐसे आप ट्रैक करो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, तो वो ट्रैक करेगा तो धीरे धीरे काम होता जाएगा। नहीं काम मैंने नॉर्मल हो जाएगा, आपको भी मालूम चलेगा कि अभी ये नॉर्मालिटी आ गई। ओके जय सच्चिदानंद चिल्ड्रन। जय सच्चिदानंद।